कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं रसायन शास्त्र का आपको 21 मार्च के लिए एक पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक बम कैलोरोमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है, डेल यू। PCl5 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp3d। एल के प्रत्येक मान के लिए m का मान होगा 2l+1। पांचवे की बात करें अपन तो यहां से देख सकते हैं ये 6.02 × 10³³ हो जाएगा। क्षारी धातुएं व्यवहार करती है अच्छे ऑक्साइड की तरह। यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं अपन आगे के लिए, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप तो, है ना, मेरी जवाबदारी है, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लोगे ना, बिल्कुल बहुत है, ठीक है। 21 मार्च के दिन आपको टॉपर बनाऊंगा, ये जवाबदारी है, अच्छे नंबरों से वो भी पास कराऊंगा। जिन ऑर्बिटलों में ऊर्जा समान होती है वे डी जनरेट कहलाते हैं। क्लोरीड के इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना, वो फ्लोरीन से कैसी होती है, अधिक होती है। अगला है यहां पर, आयोडीन युक्त नमक NaCl के साथ कुछ मात्रा में NaL3 मिली होती है। केरोसिन तेल एल्केन का मिश्रण होता है। SS पार्श्व अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। SS पार्श्व अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बंध। हेनरी का जो नियम है गैस के विलयन में विलयता का से संबंधित है। यदि हम बात करेंगे यहाँ से तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। भकल का नियम जो है वो आ जाएगा एरोमेटिकता। हीरे की जो संरचना है ना वो त्रिविमी जालक यानी कि समचतुर्थ फलक आ जाएगा। पीएच स्केल सोरेंसन। बम कैलोरोमीटर का आपको मिलान करना है आंतरिक ऊर्जा से। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अस्थायी प्रभाव हो गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देख सकते हैं। कार्बोनियन में कार्बन पर परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेशित होता है, करके जाना बेटा इसको ना। पीएच मान निकालने का समीकरण लिखिए। पीएच मान निकालने का जो समीकरण है वो आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन धन आयन की सांद्रता, और एंट्रोपी का मान अधिक होगा तो NH3। NH3 अमोनिया में गैस में, मतलब सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के उदासीनीकरण ऊष्मा का मान, ठीक है, कितना कैलोरी जूल होता है, तो यहां पर आपका जाएगा 57 किलोग्राम हो गया। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं ये हो जाएगा इतना। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनना गुणित अनुपात के नियमों के अनुसार है क्या, सत्य रहेगा पहला, दूसरा जो है ना वो भी सत्य रहेगा। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, ये असत्य रहेगा। चौथा जो रहेगा सत्य है। जल अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं क्या जल में, तो ये आपका सत्य रहेगा, और अंतिम भी आपका सत्य रहने वाला है। हो गया भैया इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। ये स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, क्या है? समस्थानिकों की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? मोलरता किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे आप। ये हो गया समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर बताइएगा। ओके भैया, अक्रिय गैसों में आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? परीक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है क्यों? आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अम्ल और क्षार की बोन्सटेड लोरी अवधारणा सहित की को उदाहरण सहित व्याख्या करनी इसकी। आबंध वियोजन ऊर्जा एवं बंद एंथैल्पी किसे कहते हैं? प्रेरणिक प्रभाव किसे कहा जाता है? इसके उपयोग निम्न के IUPAC नाम लिखिए गए। हो गया इतना। फिर इसके बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये BHC क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे? केवल समीकरण आपको देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। विलयता गुणनफल की परिभाषा देकर इसे स्पष्ट कीजिए। लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीकरण प्रक्रम किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। भाप आसवन किन यौगिकों के लिए उपयोगी है, सचित्र वर्णन है। कार्बन ऋणायन या कार्बोनिन पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है आपको। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन टालुइन ये यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैथोड किरणें के प्रमुख गुण लिखिए। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रीत लिखिएगा। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम क्या है, हो गया क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर गलन के एंथैल्पी